तो जैसा कि आज की वीडियो के अंदर WhatsApp की एक न्यू अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ, WhatsApp चैनल। तो दोस्तों WhatsApp चैनल क्या है, इसको आपने कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपने इसको क्रिएट करना है और किस तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हटाना चाहते हैं WhatsApp से, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आप लोग कैसे WhatsApp के अंदर से इस अपडेट को हटा सकते हैं। तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि यहाँ पे मैं WhatsApp को ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलता है, जो पहले यहाँ पे आपको स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपडेट के ऊपर टैब करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो WhatsApp स्टेटस वाला ऑप्शन था वो भी यहाँ पे आपको मिलता है, जो आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना स्टेटस लगा भी सकते हैं और स्टेटस को देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग मिलती थी म्यूट अपडेट्स की, लेकिन वो अब आपको सेटिंग मिलती है 3 डॉट पे टाइप करने के बाद, यहाँ पे आपको म्यूट अपडेट की सेटिंग मिलती है। तो यहाँ पे आपने जो भी म्यूट्स किए होंगे स्टेटस, वो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है चैनल्स का, तो यहाँ पे जो भी आपने चैनल को फॉलो किया होगा, तो उसका जो भी पोस्ट होगा, जो भी यहाँ पे न्यूज़ होगी, वो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 चैनल्स को यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे मैं एक चैनल के ऊपर टैप करता हूँ, तो यहाँ पे ये चैनल ओपन हो जाएगा। तो इस चैनल की जो भी न्यू अपडेट होगी वो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप अपडेट को पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पढ़नी है। तो दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको फाइंड चैनल्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे फाइंड चैनल्स पे टाइप करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं। आपको जो भी चैनल यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे सर्च करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जितने भी चैनल्स देख रहे हैं उनके ऊपर एक ग्रीन टिक है, जो WhatsApp के ऊपर आपको वेरीफाइड चैनल यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपने अपना चैनल अगर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको चैनल क्रिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जैसा कि यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन मिलता है। आप अगर प्लस पे टाइप करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको फाइंड चैनल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। तो जैसे कि जो भी न्यू अपडेट आती है अगर WhatsApp चैनल की, तो वो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि आपने कैसे अपने WhatsApp के ऊपर अपना चैनल क्रिएट करना है। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी चैनल क्रिएट करने की सेटिंग या फिर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो सर्च भी कर रहे हैं कि हम इस अपडेट को कैसे अपने WhatsApp से रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। तो ये ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं है कि आप अपनी WhatsApp के ऊपर से इस अपडेट को रिमूव कर सकते हैं। ये एक WhatsApp की ऑफिशियल अपडेट है, इसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता।